तो भैया जी, ये है Xiaomi का Mi 11X। तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा इस दूरभाष यंत्र के साथ हमने समय बिताया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, ताकि आप ये निर्णय ले पाएं आसानी से इस फोन को लेना आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। ऐसे हम बता दें, हमारा नाम है जयकांत, नाम जयकांत जिक्र वाला जयकांत नहीं, सिंपल जयकांत। तो आइए शुरू करते हैं हम निरीक्षण इस फोन MI क्या था भैया जी, 11X। इसमें कोनो शक नहीं है कि फोन दिखने में बेजोर है। हमारे पास है उजला रंग वाला, ऐसे कंपनी इसे लूनर व्हाइट बोलती है। अब अगर फोन देख के अभी से लेने का मन बना लिए हैं, तो भैया जी बता रहे हैं काला वाला एकदम में मत लीजिएगा, साला इतना चिकना है कि पूरा फिंगरप्रिंट छप जाता है। लेकिन ये उजला वाला बेजोर है। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो आगे और पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का उपयोग किया गया है। लेकिन भैया जी, जो साइड में फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। लेकिन घबराने की बात नहीं, फोन के साथ एक लुचुर पुचुर वाला TPU केस आपको दिया गया है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। फोन के ऊपर माइक्रोफोन, स्पीकर और IR ब्लास्टर भी दिया गया है। काफी अच्छे से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। राइट साइड वॉल्यूम कंट्रोलर बटन और फिंगरप्रिंट दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। काफी फास्ट है, ये जो एनिमेशन सामने आता है काफी अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन भैया जी, 2 बार इसका फिंगरप्रिंट हमें धोखा दिया है। एक बार जब हुआ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और इसी चक्कर में फोन को ज्यादा दिन तक अपने पास रखना पड़ा। उसके बाद शर्ट से फोन निकाले, फट से रिकॉर्ड किए, और भैया जी ये देखिए, देख रहे हैं ना नौटंकी, देखिए ये देखिए, देखे देखे ना। इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, विथ 60 एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड टच सैम्पलिंग रेट 360 हर्ट्ज। फोन का पिक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, और इस कारण से जब आप इसे दिन में यूज करते हैं, जैसे धूप वगैरह है वो फोन पे पड़ रहा है, तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है। इस फोन में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 60 हर्ट्ज और एक है 120 हर्ट्ज, जिसे आप स्विच कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन इस फोन में एक और ऑप्शन अगर होता स्मार्ट स्विच वाला, तो मुझे लगता है वो सही होता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बिकॉज स्मार्ट स्विच होने के कारण जो यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी है, जो वर्किंग प्रोसेस है फोन में, तो वो उसके बेसिस पे आपका 60 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, ये खुद पे खुद स्विच होता। दिस फोन कम्स विथ 2 वेरियंट, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। और भैया जी, रंग तो हमने आपको बता दिया है, काला, उजला, एक और है सिल्वर, तो इनमें से जो भी आपका पसंद है ले लीजिएगा। इसमें LPDDR5 रैम दिया गया है, प्लस UFS 3.1 स्टोरेज। बात करें अगर प्राइस की, जो 6 GB रैम वाला है वो है 27,999, यानी भैया जी 28,000 का है, और 8 GB वाला जो है वो है 30,000 का। फोन लैग करने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 2 बार इस फोन में मुझे शटरिंग देखने को मिला, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ऐसे इस फोन में बहुत ही चीज जो है हमको सही नहीं लगा, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत जरूरी है, वो है 3.5 mm जैक। इस बजट सेगमेंट में जितने भी फोन आ रहे हैं, उसमें क्या है कि भैया जी, कंपनी 3.5 mm जैक जो है वो हटा रही है, तो इसको कुछ अलग करना चाहिए, इसे देना चाहिए था। लेकिन इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो हमको बेजोर लगा, क्योंकि भैया जी 3 माइक्रोफोन और डुअल स्पीकर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ऑडियो क्वालिटी आपको बेजोर मिलने वाला है। जो लाउडनेस है, इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी फोन देखेंगे उसके कंपैरिजन में मुझे इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेटर लगा, एज कंपेयर टू जितने भी इस सेगमेंट में फोन आते हैं। इस फोन की बैटरी क्षमता 4500 mAh है, एंड इनसाइड द बॉक्स 33 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है। इस फोन को 0 to 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने इसके टेम्परेचर को मेजर किया, जो कि 30.8 डिग्री सेल्सियस था बैक साइड एंड फ्रंट साइड 30.9 डिग्री सेल्सियस। फोन को 0 to 100% चार्ज होने में 1 घंटा 38 मिनट लगा, एंड आई थिंक कि 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है जब आप चार्जिंग प्रोसेस चेक करें तो। आफ्टर फुल चार्ज हमने इसके टेम्परेचर को फिर से मेजर किया, और यहाँ पे 66.2 डिग्री सेल्सियस बैक साइड एंड फ्रंट साइड 66.3 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिला। और हाँ, हम बता दें भैया जी, जब फोन हमारे पास आया तो 2 अपडेट हमें मिल गया, एंड Xiaomi ने प्रॉमिस किया था कि मी
12.5 पे UI आने के बाद सिस्टम एप्लीकेशन को आप रिमूव कर पाएंगे। लेकिन भैया जी, आफ्टर अपडेट वाला फंडा हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और ना ही जो ये जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो रिमूव हुआ। मे बी शायद अभी नहीं हुआ, इन फ्यूचर जो है अगर और कुछ अपडेट वगैरह आए तो मे बी शायद हम ये जो एप्लीकेशन है सिस्टम एप्लीकेशन इसे रिमूव कर पाए। गेम खेलने से पहले हमने इस फोन के टेम्परेचर को मेजर किया, बैक साइड 30 डिग्री सेल्सियस और फ्रंट साइड 34.1 डिग्री सेल्सियस। हमने पूरा एक घंटा लगातार इसमें जो खेल खेला है, क्या ही बताएं भैया, समझ रहे हैं ना, एकदम पूरा टाइमर टूमुल लगा के जो तहलका मचाया है। ना ना ना, गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम बेजोर खिलाड़ी हैं। सर, चार लोग हमको धराधर M416 से जो ठोका है, वो लोग जो हमको ठोका है वो तो दिखाएंगे नहीं, झूठों का बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए सिर्फ बता रहे हैं। और हमने कैसे ठोका है सिर्फ वही दिखा रहे हैं, मजा लीजिए आप लोग। ऐसे बता दें, ये जो गेम हम खेल रहे हैं इसका नाम है BGMI, ये पबजी का छोटका भेवा है। देखो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को, रे बकलोला इधर से मार रहे हैं रे। अब है ये दूसरा का गेम, इसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। और बता रहे हैं भैया जी, ये भी एकदम बेजोर गेम है, मतलब दिल खुश हो जाता है खेलने के बाद। आफ्टर द प्लेइंग खेला, इस फोन का टेम्परेचर हमने मेजर किया और उसके बाद जो यहाँ रिजल्ट निकल के आया है बैक साइड का वो 41 डिग्री सेल्सियस और फ्रंट साइड 41.5 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपने देखा, हमने पूरा एक घंटा इस फोन में गेम खेला और गेम खेलने के बाद फोन जो है वो हिट हुआ। और यहाँ पे जो हिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे इसे एक्सपीरियंस करना पड़े, यानी क्योंकि फोन हिट होने के बाद भी ना तो मुझे कोई लैग नजर आया, ना ही मुझे शटरिंग नजर आया, गेम बहुत ही स्मूथली तरीके से चल रहा था, तो ये मुझे एक सही लगा कि एक घंटा भैया हमने खेला और एक घंटा में कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं बुझाया ये जो गेम वाला जो था लनफन देवानंद। बट फोन हिट होता है, इस फोन में स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। बात करें इस फोन के कैमरा की, 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है, अपर्चर साइज 1.8, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, अपर्चर साइज 2.2, 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो सेंसर दिया गया है, अपर्चर साइज 2.4। बात करें फ्रंट कैमरा की, 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, अपर्चर साइज 2.4। यहाँ पे हमने कुछ सैंपल्स निकाले हैं जिसे देख के आप ये डिसाइड कर पाएंगे इस फोन के कैमरा का क्वालिटी कैसा आपको मिलने वाला है। इसके कैमरा में जो सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी IMX582। ये जो सेंसर है ये थोड़ा पुराना है। मैं जितने भी सैंपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखने से आपको लग रहा होगा कि इसका जो कैमरा का जो क्वालिटी है, मतलब वो आपको अच्छा लग रहा होगा, बट आप डिटेलिंग में जाके देखोगे तो जो डायनेमिक रेंज है वो बेटर हो सकता था, थोड़ा और बेटर हो सकता था। ये फोटो हमने रात के समय में लिया है और मैंने एक चीज़ देखा है, जब आपको लाइटिंग अच्छा मिल रहा हो तो वहाँ पे इसका जो कैमरा है वो बेटर परफॉर्म करता है। अब ये जो फोटो है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि नॉर्मल में हमने लिया है। उसके बाद HDR मोड को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का हमें इमेज क्वालिटी देखने को मिला। बाकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो मुझे इस फोन का सही लगा और जो क्वालिटी है वो भी मुझे सही लगा। जब इसे लाइट सही मिलता है तो अच्छी तरीके से इसका कैमरा परफॉर्म करता है। जब इसके अल्ट्रा वाइड वाले कैमरा से लेते हैं तो वहां पे कलर शिफ्टिंग हमें देखने को मिलता है, काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले वाला जो फोटो है ये वाला, और जैसे ही हमने स्विच किया अल्ट्रा वाइड में तो कुछ इस तरह का हमें इमेज क्वालिटी मिल रहा है। ये रात के समय का फोटो है तो कुछ ऐसा क्वालिटी हमें मिला।
डायनेमिक रेंज थोड़ा और बेटर हो सकता था। डार्क एरिया में जो हाइलाइटेड है वो थोड़ा और बेटर एक्सपोज होना चाहिए था। इसका जो टैली माइक्रो सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, उससे जो फोटो आता है वो मुझे सही लगा, काफी इंप्रेसिव लगा मुझे एज कम्पेयर टू जितने भी इस बजट सेगमेंट में फोन आते हैं और भैया वो जो चिपका देते हैं 2 मेगापिक्सल का, 2-2 मेगापिक्सल का या फिर 5 मेगापिक्सल का, उसके कंपेरिजन में यहाँ इसका जो टैली माइक्रो सेंसर है वो बेटर परफॉर्म करता है। बाकी लो लाइट में इसका कैमरा ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते और खराब भी नहीं बोल सकते, यानी सही परफॉर्म कर जाता है। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो लो लाइट कंडीशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फेस को पूरा रेड कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है लो लाइट कंडीशन में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर देगा इसका जो फ्रंट कैमरा है लो लाइट के केस में। बट डे लाइट में इसका जो 20 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा वो बेटर परफॉर्म करता है, डायनेमिक रेंज जो है वो भी आपको सही देखने को मिलेगा, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर इसके फ्रंट कैमरा को देखा जाए जो डे लाइट कंडीशन वाला फंडा है, तो वहाँ पे इसका जो क्वालिटी है आपको अच्छा मिल जाता है। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसके प्राइमरी कैमरा से हो रहा है जो कि 48 मेगापिक्सल का है, और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी इसी फ़ोन का आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर वीडियो की बात करें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS में, 1080p में 30 और 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और 720p में 30 और 60 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा भाग के आपको दिखाता हूँ, ऐसे मैं छत पे हूँ, बाहर निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि कैसा ये फ़ोन आपको वीडियो स्टेबल करके देने वाला है। तो भैया जी, हम एकदम सामने सामने प्रकट हो गए हैं, और अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसके फ्रंट कैमरा से हो रहा है जो कि 20 मेगापिक्सल का है, और इसके फ्रंट कैमरा से आप 1080p और 720p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 720p में 30 FPS और 1080p में 30 और 60 FPS ये दोनों में रिकॉर्डिंग करता है। ऑडियो क्वालिटी आपको इसी फ़ोन का सुनने को मिल रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसा आपको मिलेगा वो भी आपको अंदाजा लग गया होगा। ओके, अब बात करें फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी की, तो वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं भागता हूँ, अरे यार इतने छोटे जगह में मैं कहाँ कहाँ भागूँ। ओके, मैं छत पे हूँ और टिप टिप बरसा पानी जो है वो हो रहा है। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से हो रहा है, और इसके कैमरा में एक फीचर दिया गया है जैसे स्मार्ट ऑडियो, तो उसे ऑन करने के बाद जो बैकग्राउंड नॉइस है वो कम हो जाता है। ऐसे इसमें 3 माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके कैमरा में मुझे एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सही नहीं लगा, वो है ऑटो फोकस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑटो फोकस है वो कभी कभी काम कर रहा था, कभी कभी काम नहीं कर रहा था, मतलब सही तरीके से काम कर रहा है और अचानक से जो है ये फिर फोकस जो है वो नहीं कर पा रहा था, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था ये, जैसा कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए, मतलब अभी ये फोकस किया, उसके बाद फिर जाके फोकस ही नहीं ले रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है मैंने इसके कैमरा में फेस किया है, सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार जो है ऑटो फोकस वाला जो फंडा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। और कभी कभी क्या हो रहा था कि जैसे लो लाइट में मैं फोटो ले रहा हूँ, या फिर लो लाइट में जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा ऑन कर रहा हूँ या फिर फोटो लेने के लिए ऑन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कभी कभी ऐसा हुआ है एक दो बार कि जो फोकसिंग है वो सही तरीके से नहीं लिया, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया ऑब्जेक्ट को फोकस करने में, एंड देन उसके बाद फिर जाके ये फोटो क्लिक किया। एंड आई थिंक कि इसे ठीक किया जा सकता है, एक अपडेट अगर सही तरीके का मिल जाएगा कैमरा के लिए तो मे बी ये चीज़ जो है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये जो इशू आ रहे हैं, ये सही हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपके पास मी 11X फ़ोन है तो आप प्लीज़ ऑटो फोकस चेक करना, क्या आपके फ़ोन में भी ऑटो फोकस वाला जो फंडा है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस मी 11X के कैमरा में आपको कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक फीचर जो है अभी आप देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। ओके, तो वीडियो ऑप्शन में ये वाला फीचर्स दिया गया है जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मेन फोकस उस पर रहता है, जो कि हम DSLR वगैरह में करते हैं। तो फ़ोन में भी अब इस तरह का फीचर्स जो है आने लगा है, और वही फीचर्स इस वाले फ़ोन में भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं जो पीछे वाला जो बुके मोड आप देख रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ तो फिर आप देखना कि कैसा लगता है। ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे मतलब ज़्यादा पे मत रखना। ये मी 11X जो है वो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, एंड देन
मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको बुके वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं इस पे टैप करूँगा। अब यहाँ पे आप इसे स्लाइड करके ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसे मान लेते हैं इतना पे करता हूँ, 59 पे करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है यानी हाथ है उस पे फोकस किया हुआ है, पीछे ब्लर हो चुका है। अगर इसे मैं 100 पे कर दूँ तो आपको कुछ ऐसा विजिबिलिटी मिलने वाला है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 100 पे आप मत करना, वो क्यों अभी आप देखो। तो यहाँ पे हमने 100 पे सेट कर दिया है ये ब्लर वाला जो ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 पे मत करना, क्योंकि ये जो साइड एरिया है जो कॉर्नर है उसे ये सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करता है, जिस कारण जब आप इस तरह से करोगे मूवमेंट जब होगा तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो वहां पे आपको लगेगा कि नहीं ये सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 40-30% पे ही इसे रखो जब आप वीडियो शूटिंग कर रहे हो कुछ इस तरह से, तो फिर आपका बिल्कुल सही से काम करेगा। अभी मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी मैंने 17% पे रखा है। बहुत सारे फोन में क्या होता है कि जो मेरा एक्सटर्नल माइक होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि मेरे पास रियलमी का फोन है तो उसमें क्या है कि एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है ये जो लगा हुआ है, बट इस वाले फोन में क्या है कि एक्सटर्नल माइक आपको सपोर्ट करता है और जो आवाज आपको मिल रहा है वो इसी माइक से मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगर नहीं सपोर्ट करता है तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैमरा वाला जो होता है जैसे ओपन कैमरा हो गया तो वो इंस्टॉल करना पड़ता है अपने फोन में ताकि हमारा एक्सटर्नल माइक ऑडियो के लिए सपोर्ट कर पाए, तो उस चीज का झंझट इस फोन में नहीं है, ये एक अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। अगर पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है बट गूगल के डायलर यूज किए गए हैं, तो भैया जी जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उनका जो कॉल है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो संभल के। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं ये फ़ोन आपको सजेस्ट करूंगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे अगर देखा जाए, जैसे कि इसका कैमरा, कैमरा में भी हमने कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया वो हमने आपको बता दिया कि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे करते हैं तो वहाँ पे ऑटो फोकस सही तरीके से काम नहीं करता है, साथ ही साथ सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग में ही नहीं जब हम फोटो भी शूट करते हैं और जब हम लॉन्च करते हैं कैमरा को तो वहाँ पे ऑटो फोकस में थोड़ा टाइम लेता है, तो ये एक दो बार मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में जो ऑटो फोकस वाला फंडा है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बाकी अगर इस प्रॉब्लम को साइड करके इसके कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे इसके कैमरा का परफॉर्मेंस सही लगा और उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये फोन ले सकते हैं क्योंकि हमने 1 घंटा गेम खेला जैसे कि आपने देखा, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मुझे लैग करता हुआ नहीं दिखाई दिया, और जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ वो है हीटिंग। जी हाँ, इस फोन में आपको हीटिंग इशू होगा, बट अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस फोन को मैं नहीं परचेस करूंगा, इसके जगह पे जो IQ 7 है वो मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज क्योंकि एक कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस फोन को नहीं ले सकता। मैं ओवरऑल सारी चीज़ को अगर देखूँ तो वहाँ पे IQ 7 में जो है गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है, फोन हिट नहीं करता है ज़्यादा। बाकी भैया जी आपके ऊपर है कि आप इस फोन के साथ जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास ये फोन है तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया है या फिर नहीं फेस किया है, क्या चीज आपको इसके फोन में, क्या चीज इस फोन में आपको अच्छा लगा, ये हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।